Hey, what's up, दोस्तों इंडियन लेफ्ट हैंड रिस्ट स्पिनर और कुलदीप यादव ने इस आईपीएल 2022 ऑक्शन पर उनकी बेस्ट प्राइस 1 करोड़ रखे थे। दोस्तों कुलदीप यादव ने 2017 पे इंटरनेशनल डेब्यू किए थे इंडिया टीम के लिए एंड 2009 पे फर्स्ट क्लास डेब्यू किए थे उत्तर प्रदेश टीम के लिए। कुलदीप यादव ने आईपीएल पर अभी तक 2 ही फ्रेंचाइज के लिए खेल चुके हैं, मुंबई इंडियंस एंड कोलकाता नाइट राइडर्स। सिर्फ केकेआर फ्रेंचाइज के लिए वो 7 साल खेल चुके हैं। सो चले दोस्तों आगे देखते हैं कुलदीप यादव ने इस आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन के कौन सी टीम के लिए खेलते हुए नजर आते हैं। दोस्तों इस आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन पर कुलदीप यादव को बिडिंग करने के लिए सिर्फ 2 ही टीम के बीच पर नॉर्मल सा बिडिंग चल रहा था, वो है दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स। कुछ ही समय तक दोनों के बीच बिडिंग चलने के बाद जब बिड प्राइस 2 करोड़ पे पहुंचा तो पंजाब किंग्स ने और आगे बिड नहीं किया। फिर उसके बाद और कोई भी टीम बिड करने नहीं आए, देन दिल्ली कैपिटल्स ने कुलदीप यादव को 2 करोड़ पर खरीद लिया। सो दोस्तों आप सभी तो देख लिए होंगे कि कुलदीप यादव ने इस आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभी तक कुछ ही मैच पर कितना बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये रिस्ट स्पिनर के नाम पर कई सारे रिकॉर्ड्स है, जैसे कि वो कितने बार हैट्रिक विकेट्स लेता हुआ सफल बॉलर बन चुके हैं, उसके साथ साथ कितनी बार एक ही मैच पर 5 विकेट्स लेता हुआ सफल बॉलर बन चुके हैं। ये देखिए दोस्तों कुलदीप यादव की पूरा करियर स्टैटिस्टिक्स, उसके साथ आईपीएल करियर स्टैटिस्टिक्स एज पर ESPN क्रिक इन्फो रिपोर्ट्स एंड आईपीएल T20 रिपोर्ट। तो दोस्तों आपके विचार पर ये घायल रिस्ट स्पिनर को कौन सी टीम के लिए ज्यादा जरूरत थी एंड कुलदीप यादव का इस आईपीएल 2022 की परफॉर्मेंस अभी तक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो ये बिडिंग देखकर दिल्ली कैपिटल्स के फैंस ने बहुत ही खुश हो गए होंगे क्योंकि उनके टीम पर एक घातक रिस्ट स्पिनर आ गए हैं। सो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।